प्लस वन क्लास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन इज अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फोर गर्ल्स एंड सेवन बॉयज. एक ग्रुप बना है जिसमें फोर गर्ल्स एंड सेवन बॉयज हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ फाइव मेंबर्स बी सिलेक्टेड. फाइव मेंबर्स की टीम सिलेक्ट करनी है. इफ द टीम हैज नो गर्ल्स, जिसमें कोई लड़कियां नहीं होंगी. एंड सेकेंड पार्ट है एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, कम से कम एक बॉय एक और एक गर्ल होनी चाहिए. एंड थर्ड पार्ट है एटलीस्ट थ्री गर्ल्स, कम से कम तीन लड़कियां होनी चाहिए. तो इसका सोल्यूशन देखो बेटे, हम लोग यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा इजी बनाते हैं इसको. इस तरह से लिख के रख लेते हैं. यहाँ पे पहले बॉयज है हमारे पास एंड गर्ल्स है. गर्ल्स कितनी है? फोर. एंड बॉयज कितने हैं? सेवन. ये लिख के रख लिए. अब जो फर्स्ट पार्ट में हमें कहता है फाइव मेंबर्स की टीम बनानी है ना, हमें बोला है फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, नो गर्ल्स मीन्स कोई लड़की नहीं होनी चाहिए. मीन्स जो पांच मेंबर्स की टीम है वो पांचों के पांचों क्या होने चाहिए? बॉयज होने चाहिए. तो हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज होगी. सेवन बॉयज है, उनमें से फाइव सिलेक्ट करने हैं. तो फिर क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 7C5. देखो इनका डिफरेंस कम है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था 7C2 लिख सकते हैं. कैसे बोला? NCR इज इक्वल टू NCN-R. 7-5 कितना है? 2. अब ब्रेक करिए, 7 × 6 / 2 × 1, ये 2 × 3 = 6, तो 7 × 3 = 21. ये हमारे पास आंसर इसका आ गया. नाउ सेकंड पार्ट जो हमारे पास दिया हुआ है वो कहा था एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल. एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल. फिर से हम ऐसा ही बनाते हैं. पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बॉयज गर्ल्स. बॉयज हमारे पास कितने हैं? सेवन. एंड गर्ल्स कितनी है? फोर. और कम से कम एक बॉय होना चाहिए एक गर्ल होनी चाहिए. तो देखिए यहाँ पे अगर वन होगा बॉय एक लड़का होगा तो हमें लड़कियां कितनी चाहिए? फोर. क्योंकि इनका टोटल कितना होना चाहिए? फाइव. फाइव मेंबर टीम बनानी है हमें, पांच मेंबर्स की टीम. वन बॉय होगा तो फोर गर्ल्स होंगी, टू बॉयज होंगे तो इनका टोटल फाइव तब आएगा जब थ्री गर्ल्स होंगी. अब थ्री होगी, थ्री बॉयज होंगे तो टू गर्ल्स होंगी, एंड फोर बॉयज होंगे तो वन गर्ल होगी. अब अगर फाइव के फाइव बॉयज आ गए तो गर्ल कोई भी नहीं होगी, लेकिन उसने बोला वन एटलीस्ट वन बॉय वन गर्ल, कम से कम एक लड़की और एक लड़का जरूर होना चाहिए. तो फिर इतनी ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी, फाइव जीरो वाली नहीं बनेगी. क्योंकि फाइव बॉयज होंगे तो गर्ल तो जीरो हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट वन गर्ल चाहिए चाहिए. तो बेटे देखो इसकी कमी हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे. अब पॉसिबिलिटीज बनेंगी. ग्रुप पांच का बनना है, हो सकता है पहले एक वन बॉय हो और फोर गर्ल्स हो. तो उसके लिए बेटे देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे वन बॉय तो ये होगा 7C1 × 2, क्योंकि हमें फाइव अभी कंडीशन पूरी नहीं ना, हमने एक ही बच्चा सिलेक्ट किया, अभी पांच चार और करने हैं. 4C4 एक पॉसिबिलिटी ये होगी. दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि टू बॉयज हो और थ्री गर्ल्स हो. पॉसिबिलिटी तो हम क्या करते हैं, प्लस. तो 7C2 × 4C3 ये कंडीशन है, क्योंकि पांच बच्चे फाइव मेंबर्स चाहिए थे, इसलिए हमें जब तक कंडीशन पूरी ना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो फिर क्या होगा, प्लस अगली क्या होगा, 7C3 × 4C2 प्लस नेक्स्ट वाला 7C4 × यहाँ पे क्या 4C1. बस यहाँ तक है. अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. यहाँ देखिए 7NC1N होता है और NCNV1 होता है. NCN क्या होता है? 1. NC1 इज N एंड NCN इज 1, मतलब ऊपर नीचे सेम हो तो 1 होता है. और यहाँ पे ही आ गया इसका. प्लस 7C2 को ब्रेक करते हैं, 7 × 6 / 2 × 1, 3 × 2 = 6 × 4C3 मीन्स आप 4 को कर लो ब्रेक, चाहे ऐसा लिख लो इसको, इजी बना लो. इनका डिफरेंस कम है, 4C4 − 3 वो कितना है? 1. प्लस 7C3 में 7 × 6 × 5 / 3 × 2 × 1, 3 × 2 = 6. एंड 4C2 को भी खोल दो, 4 × 3 / 2 × 1, 2 × 2 = 4. प्लस 7C4 मैं नीचे लिख देती हूँ, 7 × 6 × 5 × 4 / 4 × 3 × 2 × 1, 3 × 2 = 6, 4 से कैंसिल. और NC1 इज N. अब हम इनको इकट्ठा करेंगे, 7 + 7 = 21 × NC1N मीन्स 4 आ गया. प्लस फिर आगे आ गया 7 × 5 × 2 = 10, 70 × 3 = 210. प्लस अभी हमारे पास आ रहा है 7 × 5 × 4, 5 × 4 = 20, 20 को 7 से करोगे जब आप तो 140 आएगा. इन सबको जब हम करेंगे ये आएगा 7 प्लस ये बनेगा 84 प्लस 210 प्लस 140 दैट इज इक्वल टू 441. नाउ थर्ड पार्ट जो हमारे पास है एटलीस्ट थ्री गर्ल्स, कम से कम तीन लड़कियां होनी चाहिए. तो देखो अब हम ऐसे ही करते हैं,
यहाँ पे बॉयज बना लेते हैं, इधर गर्ल्स कितने कितने हैं वो लिखेंगे, सेवन बॉयज हैं, फोर गर्ल्स हैं, कम से कम तीन लड़कियां होनी चाहिए और मेंबर जो हमारे पास कितने होने चाहिए, फाइव की टीम बनेगी तो इधर कितना आएगा, टू आएगा। अब कम से कम तीन लड़कियां तो होनी चाहिए, तीन लड़कियां तो चार भी तो हो सकती हैं, तो फोर और यहाँ पे क्या आएगा वन, इनका सम फाइव बनना चाहिए। अब आपको हो गई गर्ल्स फाइव भी, थ्री हो गई, फोर हो गई, अब फाइव भी हो सकती है, नहीं, क्यों, क्योंकि गर्ल्स हैं ही फोर है तो फोर तक ही हम जाएंगे, तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बनी है, जहां तो टू बॉयज एंड थ्री गर्ल्स होंगे, जहां वन बॉय एंड फोर गर्ल्स होंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, देखिए यहां पे क्या आ रहा है, सेवन सी टू इंटू फोर सी थ्री प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी सेवन सी वन इंटू फोर सी फोर। तो देखो यहां पे सेवन सी टू मीन सेवन इंटू सिक्स अपॉन टू इंटू वन, टू थ्री जो सिक्स, और फोर सी थ्री को हम लिख सकते हैं फोर सी फोर माइनस थ्री वन, सेवन सी वन इज सेवन एंड एनसीएन के सेम हो ऊपर नीचे तो वन होता है, यह आएगा सेवन इंटू थ्री इंटू फोर, इसका फोर सी वन का फोर आ गया प्लस सेवन, सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन को फोर से किया एटी फोर प्लस सेवन दैट इज इक्वल टू नाइन्टी वन, दैट्स ऑल बेटा।